दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय डाक विभाग की जो भर्ती आई है 40,889 पदों पर। तो इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारे बच्चों को कई प्रकार के डाउट हैं, तो कुछ डाउट ये हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि पहला ये है कि कितने प्रतिशत वालों को फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा ये है कि कितने प्रतिशत में जॉब मिल जाएगी, यानी अगर आपका कितना परसेंट है तो आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है। इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला डाउट ये है कि कितने प्रतिशत वाले ये फॉर्म को भरें, यानी अगर आपका कितना परसेंट हो तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो देखिए ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि कितने में यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना है, तो अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो 85 के ऊपर वाले भर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हो ही जाएगा, ठीक है। 85 के ऊपर वाले भर सकते हैं क्योंकि कुछ रीजन हैं, यानी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर 90 के नीचे सिलेक्शन हो सकता है, और कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहां 94-95 में भी चांसेस कम हैं। तो आप किस क्षेत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपका 85% से ज़्यादा है तो आप फॉर्म को भर दें, क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि उस रीजन में या फिर उस क्षेत्र में ज़्यादा फॉर्म ना डाले जाएँ, ये चांसेस हैं। इसलिए 85 वाले चांसेस ले सकते हैं, 85 के ऊपर जिनका है वो चांस ले सकते हैं एक बार कि शायद उनका कहीं ना कहीं हो जाए, ठीक है। और अगर आपका 90% से ज़्यादा है तो आपके फुल चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, आप अधिक से अधिक क्षेत्रों पर जो है फॉर्म भरें। और अगर हम बात करें कैटेगरी वालों की, ST, SC, OBC और EWS की, तो अगर आप 80+ हैं, देखिए 80 से नीचे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप 80 से प्लस हैं तो आपके चांसेस हैं। देखिए चांसेस हैं, कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि कैटेगरी वालों में भी कट ऑफ जाता जाता है ना, क्योंकि हर रीजन में हर पोस्ट ऑफिस में लगभग 1 से 2 पोस्ट रहती है। तो वहाँ अगर आपसे 1% अधिक वाला कोई बच्चा अप्लाई कर देता है तो आपका वहाँ पर नहीं होना है। इसीलिए कैटेगरी वालों में भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है। तो अगर आपका 80-85 के ऊपर है तो ही आप आवेदन करें, मेरी सलाह यही रहेगी। बाकी अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और एक डाउट ये है कि कहाँ से हमको फॉर्म भरना चाहिए, तो देखिए इसका जवाब मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी दे देता हूँ कि देखिए अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र या ऐसे रीजन में अप्लाई करते हैं जहाँ कम लोग जाना चाहते हैं तो वहाँ आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो आप ये फॉर्म भरते समय जरूर ध्यान रखें कि आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका परसेंट कितना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।